जबलपुर के प्रभारी मंत्री ओपी भदौरिया को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता रोककर उन्हें 1 करोड़ रुपए का नकली चेक भेंट करने की फिराक में थे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता अपने अंजाम में सफल हो पाते कि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लगातार प्रदर्शन कर रही है एनएसयूआई। सरबजीत सिंह मोखा के मामले में जिला प्रशासन और राज्य सरकार का नरम रुख देखते हुए एनएसयूआई लगातार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एनएसयूआई का आरोप है कि स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य सरकार सरबजीत सिंह मोखा को बचाने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में जो लापरवाही चल रही है वो आज भी जारी है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबलपुर के तहसील चौक पर प्रभारी मंत्री को घेरने की तैयारी में जुटे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके आते ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करीब 10 से 15 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और अब उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कई बड़े अस्पतालों के नाम सामने आए हैं, पर जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने में लचर साबित हो रहा है। यही वजह है कि एनएसयूआई ने प्रभारी मंत्री को घेरने की कोशिश की और उनसे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह पुलिस प्रशासन आज गुंडागर्दी में लोगों को बचाने का प्रयास कर रहा है, आज हम मंत्री भदौरिया को 1 करोड़ रुपए का चेक देने जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिए। सब करने वाले गिरफ्तारी की है, क्या मामला? एनएसयूआई के सौरभ गौतम, सचिन रजक और बाकी करीब 5 से 6 कार्यकर्ता गण को अभी तहसील चौक से जो है धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनका प्लान था कि माननीय मंत्री जी के काफिले को रोककर और उसमें उनसे एक चेक उनके द्वारा लाया गया था, देने का उनका प्रयास किया जा रहा था, जिसको उनको रोक दिया गया है और पुलिस द्वारा समय रहते उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई है। आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।